हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, यानी कि इसके आने के संभावना यानी कि 100% है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हैं, ये ऐसा नहीं केवल रेलवे में ही पूछा गया है, ये एसएससी के भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, सीजीएल में भी पूछे जा चुके हैं, और एसएससी सीएचएसएल या तो फिर एमटीएस या तो फिर रेलवे, बहुत बार रेलवे में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, लुई पाश्चर, ल्यूवेन हॉक। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों खो खो खेल में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 प्लेयर्स होते हैं। थोड़ा मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा गुफाएं निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो कहाँ पे है? औरंगाबाद, कोणार्क, मुंबई या पुणे में? तो ये दोस्तों ये औरंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला नामक उपन्यास किस बंगाली लेखक द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आनंद मठ जो है बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये किनके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो ये है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बहुत बार आनंद मठ पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला ये है कि तुलसीदास किनके समकालीन थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या तो फिर औरंगजेब के? तो दोस्तों ये तुलसीदास जी जो थे वो अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सत्यमेव जयते का स्रोत कहाँ से लिया गया? यानी कि सत्यमेव जयते जो शब्द है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? अशोक पिलई से, भागवत गीता से, मुंडक उपनिषद से या ऋग्वेद से? तो दोस्तों जो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखरा नांगल बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों जो भाखरा नांगल बहुद्देशीय जो परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, ये सिंधु, रावी, व्यास, सतलज, तो ये दोस्तों ये सतलज नदी पर बंधा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि खेतड़ी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों खेतड़ी जो है वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, पेनिसिलिन कारखाना के लिए, या तेल क्षेत्र, या तांबा के लिए? तो मैं बता दूं ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और खेतड़ी जो है दोस्तों ये राजस्थान में है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? यानी सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, भारत को, थाईलैंड को या जापान को? तो दोस्तों इसका आंसर थाईलैंड होगा, थाईलैंड को हम लोग सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं। ओके, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों जो विद्युत बल्ब में जो हम लोग जो गैस उसमें भरा जाता है वो होता है नाइट्रोजन गैस, उसमें भरा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला ये है दोस्तों, लोक नृत्य का एक रूप बिहू, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बिहू लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? दोस्तों बिहू जो लोक नृत्य है वो है असम का। ठीक है, असम का वो लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? उत्तर अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं उसे क्या बोलते हैं? पैम्पास बोलते हैं, प्रेरी बोलते हैं, स्टेपी बोलते हैं या टुंड्रा बोलते हैं? तो दोस्तों इसको हम लोग प्रेरी बोलते हैं। मैं भी और ऐसे कुछ घास स्थल के मैदान जो हैं उसके मैं आपको नाम बता देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विश्व के प्रमुख घास के मैदान, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे पहला प्रेरी जो अभी क्वेश्चन में था, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में, वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में, सवाना जो है ये अफ्रीका में, ठीक है, डॉन्स जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में, ओके, लानोस जो है वो वेनेजुएला व कोलंबिया में, और पंपास जो है वो अर्जेंटीना में, ठीक है, और स्टेपी जो है वो एशिया व यूरोप के भागों में पाया जाता है। स्टेपी और ये सब सारे जितने भी है दोस्तों बहुत बार इसे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, आप इसे याद कर लीजिएगा, रूस के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? देख अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब पूछे जा चुके हैं, यानी कि घास के मैदान से रिलेटेड, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका जो क्या बोलते हैं, रूस के शीतोष्ण घास के मैदान को सवाना बोलते हैं, पैम्पास बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं या डॉन्स बोलते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं, जो एशिया और यूरोप के भागों में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
कोशिका की खोज की गई थी। दोस्तों कोशिका की जो खोज किए गए थे किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा, विलियम हॉर्वे द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, लुइस पास्टर द्वारा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1665 ईस्वी में इसका कोशिका का खोज किया गया था, ठीक है, 1665 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गोबी मरुस्थल है। दोस्तों गोबी मरुस्थल एक शीतोष्ण मरुस्थल है और ये कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में है, अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है, एशिया में है। तो दोस्तों जो गोबी का मरुस्थल है वो है दोस्तों एशिया में। आप देखेंगे मंगोलिया, मंगोलिया देश, आप चीन के ऊपर में देखेंगे मंगोलिया देश है, उसी के भाग में वहाँ पे ये है गोबी का मरुस्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ये है दोस्तों, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और इसको थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके, इसमें चेंजिंग करके ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो गुरु शिखर जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों वो कहाँ पे है, पूर्वी घाट में, सतपुड़ा में, पश्चिमी घाट या अरावली पर्वत पे। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरु शिखर है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट चोटी है अरावली पर्वत की गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला दोस्तों कि फूलों की घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों जो फूलों की घाटी है वो है दोस्तों उत्तराखंड में। इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों कि फूलों की घाटी चमोली, ओके, आप याद रख लीजिएगा चमोली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है या तो फिर रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि चमोली किस राज्य में है, या तो फिर फूलों की घाटी चमोली कहाँ पे है, या तो फिर फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो चमोली को बोलते हैं और ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पिछौला झील कहाँ पर है। दोस्तों पिछौला झील जो है दोस्तों कहाँ पे है, ये क्वेश्चन है, जयपुर में है, जोधपुर, उदयपुर, आगरा में। तो इसका आंसर है उदयपुर में ये झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, यानी लीवर का, यानी कि अकृत का, वृक्क का, जिसे हम लोग बोलते हैं किडनी, या तो फिर फेफड़ा, लंग यानी कि, और हृदय यानी कि हार्ट का। तो दोस्तों नेफ्रोलॉजी में हम लोग अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है वृक्क का, यानी कि किडनी का, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। दोस्तों एक्स किरणों की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, थॉमसन ने की थी, रोएंटजन ने की थी, गोल्डस्टीन ने, या वीएन ने की थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये है रोएंटजन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया, यानी कि रिजर्व बैंक जो है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बोलते हैं, ये मतलब इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था। तो दोस्तों 1935 में किया गया, 1949 में, 1969 में, या 1947 में। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये 1949 में किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। और दोस्तों जो रिजर्व बैंक है उसका इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, आप इसे याद कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों रिजर्व बैंक का वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों का लेखक कौन है। दोस्तों हैरी पॉटर एक बहुत ही प्रसिद्ध ये पुस्तक है और ये इसके बहुत सारे सीरीज आ चुके हैं मार्केट में, बहुत सारे इसके मतलब सीरीज लिखे जा चुके हैं, और इसके राइटर कौन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जेके रॉलिंग है, चेतन भगत हैं, चार्ल्स डिकेंस है, अरुंधति रॉय हैं। तो दोस्तों इसका जो हैरी पॉटर पुस्तक के लेखिका हैं वो जेके रॉलिंग है, ये एक फीमेल मतलब यानी कि वो लेखिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन, ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने, ड्रेसर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने। तो इसका जो आंसर है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। अगला देखते हैं, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों जो हाइग्रोमीटर है आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि हाइग्रोमीटर है वो किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए, ओके। और जो दोस्तों हाइग्रो, आप यहाँ पे हाइग्रो है, आप यहाँ पे अगर हाइड्रो कर देते हैं तो ये हाइड्रोमीटर हो गया, ठीक है, ग्रो के जगह पे केवल ड्रो कर देते हैं तो इसमें आपको बस कंफ्यूजन हो जाएगा, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर तो चलिए वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए, लेकिन हाइड्रोमीटर है दोस्तों वो किया जाता है द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला ये है, लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है। दोस्तों लोकटक झील जो है ये है कहाँ पे है, सिक्किम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा, मिजोरम में। तो दोस्तों ये मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला ये है कि भारी जल का आण्विक सूत्र है, भारी जल का जो आण्विक सूत्र है दोस्तों वो क्या है, D2O है, DO है, D2, DO2 है, H2O है। तो
तो इसका जो आंसर है वो डी टू वो है, आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अब अगला है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। अभी जैसा कि मैंने आपको एक पीछे आप एक क्वेश्चन देखे थे कि गुरु शिखर जो है सबसे हाईएस्ट चोटी, हाईएस्ट पॉइंट, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला की है, तो अभी आपने वहाँ पढ़ा अरावली की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों राजस्थान में। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन ये सेम सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है और पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो अगर आपको अगर अरावली पर्वत पता है, ये राजस्थान में है, इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है गुरु शिखर, बस इतना आपको याद रख लेना है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला ये है दोस्तों कि इंडिका, इंडिका निम्न में से किसकी कृति है। दोस्तों इंडिका एक पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है, कौटिल्य हैं, मेगास्थनीज हैं, तारानाथ हैं या विशाखादत्त हैं। तो दोस्तों इंडिका जो लिखा गया है वो लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। दोस्तों ये जो मेगास्थनीज है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे, जो दोस्तों बाद में ये यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगे। ओके, तो ये इंडिका जो पुस्तक है, बुक है, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। दोस्तों जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम्स में, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये एकदम 100% ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, असम का है या पंजाब का है, तो ये है दोस्तों तमिलनाडु का भरतनाट्यम। आप इसमें एक और है दोस्तों मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम है दोस्तों केरल का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण का रोजगार में कार्य नहीं करेगा। दोस्तों इसको सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे होते हैं उनसे काम लेना गैरकानूनी होता है, तो ये कौन सा आर्टिकल में कहा गया है कि आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं, बाल श्रम अपराध है, बाल श्रम करवाना अपराध है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 24 में बोला गया है दोस्तों। ओके, अब ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है राजा बीरबल, अब बीरबल का जो नाम सुन रहे हैं दोस्तों ये उनका अपना मतलब मूल नाम नहीं था, बीरबल जी का मूल नाम महेश दास था, यानी कि महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा महेश दास, अकबर के द्वारा दिया गया था। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। दोस्तों अभ्रक, अभ्रक जो है दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो ज़्यादा भंडार है वो है भारत में, भारत में झारखंड के कोडरमा जिले में बहुत अधिक अभ्रक भरा पड़ा है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों बुल एंड बियर संबंधित है, यानी दोस्तों बुल एंड बियर शब्द जो है वो किससे संबंधित है, स्टॉक मार्केट से, भारतीय रिजर्व बैंक से, भारतीय संविधान से, जंतु विज्ञान से। तो बुल एंड बियर शब्द जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है स्टॉक मार्केट में, बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती। तो दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं कि महानदी है यहाँ पे कावेरी है, और यहाँ पे ताप्ती है और गोदावरी है। तो देखेंगे महानदी, कावेरी और गोदावरी जो नदियाँ हैं ये तीनों है दोस्तों ये इधर क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में है सो गिरती है, ठीक है। और जितनी भी नदियाँ हैं जैसे ताप्ती और नर्मदा ये गिरते हैं किधर, पश्चिमी तरफ यानी कि अरब सागर में। तो यानी पश्चिम की तरफ जो गिरने वाली नदियां होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला ये है दोस्तों कि पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। दोस्तों पक्षियों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला ये है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, ये बोलते हैं हम लोग शुक्र को, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कावेरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, महानदी या नर्मदा नदी पर है। तो दोस्तों ये नागार्जुन सागर जो परियोजना है, नागार्जुन सागर बांध है, ये हमारा कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। दोस्तों इसका आंसर शनि होगा, क्योंकि शनि के जो बाहरी किनारे में दोस्तों चारों तरफ से गैस के छल्ले हैं, जिसके वजह से यह लगता है कि यह
तैरता हुआ प्रतीत जैसा दिखाई देता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? दोस्तों जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ पे उसका मतलब कि निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में, या तो फिर अकृत में, बड़ी आंत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अस्थि मज्जा में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इंसुलिन की जो खोज है दोस्तों वो किया गया था बैंटिंग के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलमाटी बांध, आप शायद नहीं सुने होंगे, अगर जानते हैं तो ठीक है। तो ये कहाँ पे है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो दोस्तों जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के उत्तरी साइड में, वहाँ पे कृष्णा नदी उधर से गुजरती है और वहीं पे अलमाटी बांध बंधा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है, लीवर को बोला जाता है, हार्ट को बोला जाता है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्प्लीन। स्प्लीन को हम लोग, स्प्लीन को ब्लड बैंक बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्रैमी पुरस्कार में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। सिंपल बातों में आप याद रखें कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, फिल्में, साहित्य या पत्रकारिता के क्षेत्र में? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसकी धर्मनिरपेक्षता शब्द यानी कि मूल प्रस्तावना में तो नहीं था, उसके बाद में यानी कि कब कौन सा संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका जैसे आप देख रहे हैं 40वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन 1976। ओके, यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। यानी कि याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों सेम क्वेश्चन आ गया फिर से दोस्तों कि पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में आपको बताया, पीछे क्वेश्चन में, कि उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी दोस्तों हॉकी से है, फुटबॉल से, क्रिकेट से या टेनिस से? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से, ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, त्रिपिटक इनमें से किसके पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों तो त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? जैन, बौद्ध, हिंदू, मुसलमान? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बडागा जनजाति भारत के किस प्रदेश में रहते हैं? यानी दोस्तों ये बडागा जनजाति जो है वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? असम में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा तमिलनाडु में ये बडागा जनजाति रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, यानी दोस्तों कौन से ऐसे ग्रह हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, ठीक है, बुध और शनि का, बुध और शुक्र का, बुध और मंगल, मंगल और शुक्र का? तो दोस्तों इसका आंसर है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, और जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। तो दोस्तों ये था आज का 50 क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये दोस्तों जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया हूँ, ये इसके आने की संभावना 110% है, आप इसे याद कीजिए, अपने दोस्तों तक भी आप इसे शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।